मेरा YouTube चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं जो मैं लास्ट वीडियो में मैं कुछ लॉन्ग टर्म स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट के मैंने कुछ स्टॉक्स आप लोगों को सामने पेश करने चाहूँगा। तो मेरा जो लास्ट वीडियो था लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, मैंने उधर बोला था कि मैंने बीच बीच में आप लोगों को सामने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ स्टॉक्स लेके आऊँगा वेरियस टेक्निक इस्तेमाल करके। तो वो दूसरा टेक्निक था और ये दूसरा टेक्निक है, तो इसीलिए मैंने इसको मैंने आप लोग देख सकता है ये स्टॉक्स मैंने जो चुना है लो बीटा स्टॉक, लो वोलेटाइल स्टॉक्स, लेकिन ऑलमोस्ट 1000% के ज़्यादा रिटर्न दिया है लास्ट 5 ईयर्स से। ये 3 to 7 ईयर्स के आप लोग कंसिडर कर सकता है। ये PI इंडस्ट्रीज है, एग्री कमोडिटी है, ये एग्री का सेक्टर के अंडर है, KRBL ये भी एग्री सेक्टर के अंडर है, और लाओपला जी ये भी एग्री कमोडिटी के FMCG में आता है। इसका फिनोलेक्स इलेक्ट्रिकल ये इलेक्ट्रिकल का अंदर आता है, KPR लिमिटेड ये मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल के अंदर आता है, और अजंता फार्म ये फार्मास्यूटिकल अंदर आता है, आती इंडस्ट्री से पर्सनल केयर केमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आता है, CCL प्रोडक्ट एग्री मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आता है। और मैंने ये जो शॉर्ट टर्म के लिए भी कुछ स्टॉक्स चुना हुआ है, जो टॉप 10 स्टॉक्स है जिसमें फंड मैंने 10 लाख इस क्वार्टर में इन सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, तो इसको आप लोग डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट मान सकता है। तो इसका लेवल आप लोग कंसिडर कर सकता है। सबसे बड़ा ज़रूरी है कि एक ठीक लेवल में एंट्री लेना। देखिए ये इसमें सब इसका लेवल दिया हूँ, इसमें देखिए 1225 में 85 में ये क्लोज हुआ, इसको 1306 के ऊपर बाई करेंगे तो ये ज़रूर प्रॉफिट आप लोग को देगा। ऐसे करके आप लोग देख सकता है, मैंने फिबोनाची लेवल भी इसका बनाया हूँ, इसका ये हाई लो क्लोज है और इसका फिबोनाची लेवल ये है, ये R1 मतलब फर्स्ट एंट्री लेवल, टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, टारगेट 4 ऐसा है, ये भी आप लोग देख सकता है। अभी मैंने क्यों इस स्टॉक्स को चुना हूँ उसको मैंने एनालिसिस करने का कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ओवरऑल इकोनॉमिक सेक्टर जो मैंने एनालिसिस करूँगा, तो देखिए इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्शन ये ज़्यादा है, ये दोनों नेगेटिव है, GDP इन्फ्लेटर ये ज़्यादा है, ये पॉजिटिव है, प्रोड्यूसर प्राइस ज़्यादा है, ये पॉजिटिव है, प्रोड्यूसर प्राइस रेंज कम है पॉजिटिव है, एक्सपोर्ट प्राइस बढ़ा है पॉजिटिव है, इंपोर्ट प्राइस कम है पॉजिटिव है, फूड इन्फ्लेशन कम ज़्यादा है ये नेगेटिव है, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन कम ये नेगेटिव है। और देखिए जो निफ्टी का जो PE/PB रेशियो और डिविडेंड यील्ड है, लगातार जनवरी से सितंबर तक ये 24-25 के आसपास नीचे जगह नहीं, ये 15 से 20 में के अंदर रहने से अच्छा होता है। देखिए PE रेशियो को हम लोग दो तरीके से इंटरप्रिट कर जा सकता है, क्योंकि PE रेशियो एक होता है और इन्वेस्टर्स ज़्यादा वैल्यू दे रहा है क्योंकि ज़्यादा वैल्यू दे रहा है, या इसका अंदर और दूसरा कुछ सोशल चीज का इन्वेंटरी और दूसरा कुछ इकोनॉमिक फैक्टर है इसके अंदर, इसलिए PE रेशियो ज़्यादा है। तो इसके लिए बुक वैल्यू के साथ इसको देखना पड़ता है। देखिए बुक वैल्यू प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 3 टाइम्स है, मतलब बुक वैल्यू कम है प्राइस ज़्यादा है, तो ये मतलब ये जरूर ओवर वैल्यूड है। हम लोग PE रेशियो को दूसरा PEG रेशियो मतलब पेग रेशियो और PV रेशियो के साथ इन और ROC रिटर्न डिविडेंड इसके साथ इंटरप्रेट किया जा सकता है, तभी इसको कंक्लूड कर सकता है। ये नहीं है कि PE रेशियो हाई है तो ये खराब ही है। दूसरा बहुत सारा मैंने फिनेंशियल रेशियो के साथ एनालिसिस किया जा सकता है, तो तभी इसको पता चलता है। ग्रोथ रेशियो से पेग रेशियो एक अच्छा मतलब इम्पोर्टेंट रेशियो है, इसको मैंने हाईलाइट किया, जो एक से कम हो ग्रोथ हाई है लेकिन प्राइस टू अर्निंग रेशियो का हिसाब से ग्रोथ हाई है, मतलब ये सब अंडर वैल्यू स्टॉक्स हैं, ये ऑलमोस्ट 1000% रिटर्न दिया है, लो वोलेटिलिटी स्टॉक्स, ये फिनेंशियल जो अभी जो इकोनॉमिक कंडीशन है ये लो वोलेटिलिटी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने और हाँ जो हाई रिटर्न है उसमें ठीक रहता है, क्योंकि ये जब निफ्टी जब गिरेगा तो ये ज़्यादा नीचे नहीं आ सकता। इसका जो स्ट्रेंथ है, सेक्टर का जो स्ट्रेंथ होता है, इसका जो मैनेजमेंट, इसका ब्रांड, इसका शॉर्ट एनालिसिस स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट, इसका जो एनालिसिस करना, इसका जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, इसका जो स्पेशल मतलब पॉलिटिकल इकोनॉमिकल लीगल एनवायरमेंटल टेक्निकल जो और इकोनॉमिक फैक्टर है उसके ऊपर डिपेंड करके ये आगे बढ़ सकता है। ये 1000% मैंने जो स्टॉक दिखाया है ये लास्ट 5 ईयर्स से ये 1000% के ऊपर रिटर्न दिया है, ये लो वोलेटिलिटी स्टॉक्स ये आप लोग कंसीडर कर सकता है।
और देखिए एग्री कॉमोडिटी के, एग्री के लिए प्रोडक्ट के लिए मैंने